तो दोस्तों आपका भाई आ चुका है कार फॉर सेल में अल्ट्रा प्रीमियम की द हेल्प जोन के साथ। सो आज किसी वीडियो में अपन लोग खेलने वाले हैं कार फॉर सेल फॉर फर्स्ट टाइम। भाई आज से 8 दिन पहले एक गेम मैंने परचेस करा था, ठीक है। जिस दिन मैंने परचेस करा उस दिन गेम चल रहा था फर्स्ट, उसके अगले दिन जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठा गेम नहीं चल रहा था। पता नहीं भाई क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि कंप्यूटर भी पहली बार लिया भाई, आज से पहले ना कभी कंप्यूटर चलाया। तो उसके 8 दिन बाद भाई देखो कैसे गेम चलेगा। तो यार गेम तो चल गया बट भाई इतने अच्छे ग्राफिक्स नहीं आ रहे, लेकिन यार चलो छोड़, इसमें गेम की कमी है भाई। गेम की जब नेक्स्ट अपडेट आएगी जब ये सही हो जाएगा, लेकिन अभी इसी को एंजॉय करो। ऑलराइट गाइस यार, तो आ चुके अपन लोग इधर। तो गाइस यार अभी मैं भाई यहाँ पर कंटेनर पे आके सोया ही था, ठीक है। एंड उठाते अपनी लग्जरियस कार जो कि हमने अभी परचेस करी है, फिर चलते अभी अपन। एक चीज दिखाऊंगा मैं भाई आप लोगों को इस कार के, भाई ऐसे उड़ती जाती है ये कार जिसका कोई जवाब नहीं। अभी रुक जाओ भाई, बाहर को निकाल लूं मैं जरा। ये निकल चुके, देख रहा हूं भाई कितना खतरनाक खेल रहा हूं मैं। अभी दिखाऊंगा आगे आप लोगों को, मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को भाई। ये देखो भाई मेरे को राइट साइड मोड़ना, आप देखो भाई, ये देखो भाई बच गई बच गई बच गई, ये देखो। अभी भाई ऐसे नहीं उड़ रही, जब ये उड़ती है ना कुछ उड़ती है। मैं आप लोगों को अभी आगे और दिखाता हूँ भाई, ये कार एकदम खतरनाक है भाई। ये कार मार्केट, ठीक है ना, देख रहे हो कितने तगड़े ड्रिफ्ट मार रहा हूँ। लगी नहीं बवा तो लगे। और अब इसको देखो 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 देखो, ये बची है देखो, खुद हो गया ये कार ब्रेक डाउन भाई। ये दिक्कत है, ये भाई बहुत तगड़ी कार है, तुमको क्या पता है, फ्लाई कार है भाई, पूरी की पूरी ठोकती है। कार ब्रेक डाउन, अबे मजाक मजाक में मैंने 11,000 की कार खराब कर दी, वो भैंस की टांग भाई। स्टार्ट भी नहीं हो रही यार, है ना, कार ब्रेक डाउन मतलब इतनी ठोकी पूरी खत्म कर दी। अब भाई इसको रिपेयर करने के लिए भेजते अगर ये जाती है तो। कार रिपेयर बन, ओके तो आ गई है भाई अपन। ये तो सही है, अपन पहुंच चुके थे, भरना भाई कैसे आता मैं। तो जल्दी से चलते हैं भाई अपन कार रिपेयर पे, देखते हैं हमारी कार सही भी होगी या फिर हमारे पैसा गया। लेकिन उससे पहले आप लोगों को दिखाते हैं भाई अपना लग्जरी शोरूम, कार शोरूम। अभी रुक जाओ भाई। और हाँ भाई ग्राफिक्स तो थोड़े बेकार है, पता नहीं भाई क्या गड़बड़ आ रही है, लेकिन हाँ। तो भाई देख सकते हो भाई दूर से हमारा शोरूम कार स्वीट। और भाई ये कचरा कौन फेंक के जाता है भाई, आज तक ये समझ में नहीं आया मेरे, यहाँ पर आता कौन है भाई, जादू आता है कि कोई मिल गया का भाई। ओके तो अभी अपन ने ये साफ कर दिया है, एडिया है हमारा लग्जरियस शोरूम स्वीट कार्स, जहाँ पर ओनली ऑन कितनी कार आ जाएंगे भाई, यहाँ पर दो कार इधर लगा देंगे, दो कार इधर, चार कारें आ सकती है हमारी इतनी लग्जरियस स्वीट कार शोरूम में। भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, अच्छा नहीं है, पहले इसको ओपन कर देते हैं अपन, हमने साफ सफाई तो कर दिया आके। एंड चलते अभी अपन सामने, अगर हमारी कार भाई यहाँ पर सही हो जाएगी तो हमारा नुकसान नहीं होगा ज्यादा। हाँ तो गाइस अभी अपन आ चुके अपनी कार पे जो कि हमारी ये है, पता नहीं भाई कैसे खराब होगी ब्रेक डाउन। भाई जब मैं वीडियो बना रहा था उससे पहले मैंने कई बार ठोकी है, क्योंकि सीख रहा था भाई, पहली बार खेल रहा है ना गेम पीसी में। तो इन वाले भाई सबसे बात करते हैं ये कार हमारी मतलब सही हो जाएगी नहीं। भाई 1400 रुपए में ये कार सही हो रही है, एक बार ये देखो भाई कहाँ कहाँ फोड़ी है, कहाँ से फूटी पड़ी है, यहाँ से यहाँ से, भाई हर कहीं से फोड़ रखे मैंने। अब इसको रिपेयर करने के और कुछ चांस भी नहीं है हमारे पास, करते इसको रिपेयर। एंड मेरे को पता है यहाँ पर टाइम लगेगा, एंड भाई रात भी होने वाली, तो भाई अपन चलते हैं इधर जंक यार्ड पे, क्योंकि यहाँ पर इसी का सामान हम इसी को बेच देते हैं। तो ये है देखो, अरे भाई रुक जा काउंट के जा रहा है, एक ये है, मैं सोच रहा था ये भी कुछ सामान लेकिन ये तो स्टोर निकला, और कुछ नहीं है भाई, यही था बस। अबे यार ओके इसको देते हैं, ओके $20 हमको मिल चुके हैं, चलो हमारे आने जाने का तो हो चुका, हमारे बस स्टेशन का। तो यार अभी अपन चलते हैं, हमारी कार रिपेयर होगी नहीं। भाई इसको कितना टाइम लगेगा, इससे बात करते हैं भाई, अभी तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बे। एक बार भाई अपन नेबरहुड चले, कभी हमको वहाँ पर कोई अच्छी सी कार मिली जाए, क्योंकि इतने ये रिपेयर हो रही है। एंड हाँ मैं आप लोगों को ये तो बताना भूल ही गया, हमारे इस वीडियो का भाई टारगेट है ये जो हमारी मतलब स्वीट शॉप है, इसको भाई यहाँ पर हम बड़ा करेंगे, मतलब इसको अपग्रेड करेंगे, जो कि $2,00,000 में होता है। और अभी मेरे पास कितने, सिर्फ $6,000। तो भाई देखते हैं कैसे कैसे करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर क्या आ रहा हूँ मैं, भाई रात होने वाली है, अब कल ही चलेंगे, ठीक है ना, सीधे चलते हैं कंटेनर पे एंड सोते हैं, एंड अगले दिन आते हैं जल्दी से। अबे भाई गलती से नेबरहुड आ गया यार मैं, मेरे को जाना था कंटेनर पर। चलो भाई आ चुके हैं, तो यार अभी अपन यहाँ पर अपन कार ही देख लेते हैं, हमको कोई मिल जाती है तो। ओके मेरे को शायद BMW, इससे बात करते हैं कितने हज़ार की ले रहा है ये। उत्तरी भैंस की टांगी शायद 28,000 की, मेरे को भाई यहाँ पर सही से देख नहीं रहा क्योंकि ग्राफिक्स बहुत बेकार है। लेकिन भाई यार इतना अंधा भी पैसा नहीं है मेरे पास, और रात भी होने ही वाली है भाई, कोई ना कोई तो कार लेनी पड़ेगी। इसका पूछते भाई, मैं कार नहीं देखता हूँ, पैसा देखता हूँ, बजट में है तो लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। भयंकर 12,000, अबे 6,000 का बजट है, अबे जैसे तू तो कपड़े पहनने आना क्या ही बोलूं। ओके तो अभी अपन इन आंटी जी से बात करते हैं। हेलो आंटी, आंटी नहीं है भाई, वो हमारे बराबर लड़का है। ओके तो ये शायद 1800 रुपए में इस कार को दे रहा, अभी देखते भाई कितने में दे रहा है ये।
भाई 1800 रुपये में हमने एक कार बाय कर ली। मेरे को पैसे दिखते ना भाई, इतनी सस्ती, क्या बात है कपिल। एक बार हम इसको देखते हैं भाई, कहाँ कहाँ से फूटी पड़ी है। और भाई ज्यादा डैमेज भी नहीं है यार, अच्छी कार मिल गई हमको। भाई इस कार को भेज दे, अपना पर्सनल व्हीकल बना ले। देखते हैं भाई सही प्राइस पे बिकेगी तो भेज देंगे, नहीं बिकेगी तो अपना पर्सनल व्हीकल बना लेंगे, क्योंकि पर्सनल व्हीकल बनाते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा बचता है। भाई इसकी स्पीड भी पहले वाली कार से ज्यादा है, जिसको अभी हम फोड़ के आ रहे हैं, देखो भाई ड्रिफ्ट। तो भाई अपन अभी जल्दी से पहुंचते हैं अपने शोरूम पे, मतलब सो गए अगले दिन, एंड उसके बाद इन दोनों कार को भेजते। भाई क्या है वे, देखो भाई मैं कह रहा था ना रात होने भाई। अबे मैं उतरता क्यों भाई यार, कार ठोक दी। जल्दी से चलते हैं भाई, रात हो चुकी है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ड्रिफ्ट नहीं मारी मैंने। तो अभी अपन पहुंच चुके अपने शोरूम पर, तो सबसे पहले तो भाई इसको ओपन ही कर लेते हैं, क्योंकि आके सबसे पहले ओपन कर, अच्छा हमारा ओपन ही है। तो भाई चलते हैं अपन वहाँ पे, वहाँ से उठाते हैं अपनी कार जो हमने रिपेयर के लिए दी थी, एंड इस कार को भी देते हैं भाई रिपेयर के लिए, ठीक है ना। या फिर हम इसको बेच सकते हो, कि $400 में हो रही है अपग्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, करवा लेते हैं। एंड इन भाई साहब हो गई, हाँ भाई हो गई। तो अभी अपन इस वाली जी वैगन को उठा लेते हैं, सस्ती जी वैगन को। ओके यहाँ से निकालते हैं, बैग हो जा। अबे चल क्यों नहीं रही है, मैं सोच रहा भाई चल क्यों नहीं रही, पैसा लगा दिया चल भी नहीं रही। भाई गाड़ी तो ये खतरनाक है, तो महंगी भी दी है भाई, 14,000 की है ये। अभी चलते हैं अपन, एंड इसका डालते हैं भाई प्राइस, अगर अच्छे प्राइस में बिकेगी तो सही है, क्योंकि भाई इसमें पैसा वो डाल रखा है मैंने, लेकिन इसमें इतनी स्पीड नहीं है। तो भाई अभी इसको लगाते हैं अपन ऐसे, कस्टमर आए और देखते के साथ इसको परचेज कर ले। एंड अभी डालते हैं भाई इसका प्राइस सस्ती जी वैगन का। ओके अभी पता चल जाएगा हमने कितने की परचेज करी है। तो ये मेरे को अप्रोक्स 10,000 की तो भाई पड़ी गई, हाँ जी, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा। तो अपन डालते हैं भाई 15,000, भाई मेरे को नहीं पता 15 डल भी रहे हैं कि अभी 1500 डल जाएं, क्योंकि मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा भाई डिस्प्ले पे। हाँ तो गाइस अभी अपन ने ये लगा दिया भाई 15,000 रुपये पर ये वाली कार, लेकिन अभी देखते हैं भाई कस्टमर आते हैं इसको लेते हैं या फिर नहीं। अपन वही वाली अपनी कार लेते हैं जिसको हम पर्सनल बनाने के लिए कह रहे थे। तो चलते भाई, हमको एक नया स्किल पॉइंट मिल गया क्या, अरे ये है भाई ये ले गया, अनलॉक कर लें। अच्छा अनलॉक हो गया भाई इससे, हम शायद क्या बोलते हैं उसको कि कार में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अभी मेरी कार जब से रिपेयर हो रही है, अच्छा वो किसी और की, मैं सोच रहा भाई कार रिपेयर हो रही है कि मेरी अभी। ओके इसने रिपेयर कर दिया भाई, लेकिन डर्टी बहुत है, इसको धुपाऊँ भी क्या मैं। ओके भाई देख लो कितने सारे ग्राहक आ गए। ओके तो सबसे पहले अपन इसको लगाते हैं एंड इनसे बात करते हैं, दो कस्टमर हैं। पहले इस भाई साहब से बात करते हैं, भाई ये तो वाला की है, ये कहीं कॉल लेना पहुंच जाता। आई एम थिंकिंग यस, ये 12,000 के आसपास दे रहा है मेरे को नोट पैड। इससे और बात करते हैं अपन, ये कितने दे रहा है हमको। ओके ये भी हमको शायद इतने ही दे रहा है, 12,500 कुछ शायद। बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते क्या भाई, तो इससे करेंगे बार्गेनिंग, किसी से भी नहीं कर सकते अभी, मैं वो ही अनलॉक करता फिर। अब यार मेरे को पता नहीं था भाई किसको सेल करी जाए, किलोमीटर को शायद थर्ड बंदा भी आया कोई। ओके आंटी जी यही है, इनसे बात करते हैं भाई। भाई 11,000 दे रही है क्या, 12,700 दे रहे भाई, चलो इसको सेल करते हैं चाहते तो भाई यहाँ से। ओके ये वाली कार हमारी जा चुकी है, $18,000 भाई अभी से हमारे पास हो चुके हैं। तो भाई अभी अपन इस वाली को भी डाल देते हैं यहाँ पर, ये हमारी 1800 रुपए। तो भाई इसके डालता हूँ मैं 6,000 रुपए, यहाँ से निकलते हैं एंड कस्टमर का वेट करते हैं इतने, एंड चलते भाई नेवर रोड, वहाँ से अच्छी अच्छी कार लेकर आते 3-4, एंड उसके बाद बेचते, क्योंकि भाई मेरे को जल्दी जल्दी बेचना, अगर इसको अपग्रेड करना अच्छी इस वीडियो में, तो पैसा भाई बहुत तगड़े तरीके से कमाना पड़ेगा। तो अभी निकलते भाई नेवर रोड पे, एंड वहाँ पे देखते हैं हमको कार वगैरह मिलती है या फिर नहीं। कस्टमर नहीं आएगा अभी, एक भी ज्यादा पैसा डाल दिएगा भाई, रुको कम करके आता है भाई। पता है कितने डॉलर कम करूँ मैंने, ये 6,000 की डाली है ना, अभी दिखाता हूँ मैं कितने पैसे कम करूँगा। तो भाई मैंने डाल दी है 6,000 की, तो अब मैं इसका इतना पैसा करूँगा 5,999 रुपये डाले हैं मैंने, अब $1 कम कर दिया भाई, देखना कैसे आएंगे कस्टमर। बहुत खतरनाक बिजनेस मैन हूँ मैं, तुमको क्या पता। ओके चलते अभी भाई नेबरहुड, मेरे को ये पता नहीं चलता कार मार्केट किस दिन ओपन होती है, तो हम सीधे नेबरहुड ही आते हैं, शायद फ्राइडे के दिन होती है, लेकिन थर्सडे कल खुलेगी शायद। एंड ये कार है जो कि भाई बहुत ज़्यादा सेल होती है, सेल में मतलब जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना। ओके ये भाई बहुत ज़्यादा डैमेज है, ये 44% डैमेज है, 10,000 की दे रहा है, भैंस की टांग इसके इतने डैमेज के, मैं 10,000 में तेरी गुद्दी पर मारने का था, गुद्दी चटका देता, समझ गया तो बच गया तो रोल है मैम के बिग बॉस की तरह। ओके तो भाई ये 54% डैमेज है, तो ये कितने हज़ार की बेचे, शायद 9,000 के भाई, मेरे को क्लियर दिखता भी तो नहीं है, पता नहीं भाई कितने की, चला भी नहीं ले रहा, अगर कोई नहीं मिलेगी तो तेरे से ले लेंगे। वो भाई ट्रक लेते, ट्रक ट्रक ज़्यादा पैसे छोड़ता नहीं है, लेकिन जितना छोड़ता सही है। देखते हैं भाई 36% डैमेज, 4,000 रुपये का मिल रहा भाई, इसको लेके जाऊंगा अभी। पहले अपन देखते हैं और कोई सी कार मिल जाए मेरे को सस्ते में। ओके ये विंटेज कार है भाई कोई सी, इसको देखते हो भाई आगे सुपरा भाई, पहले इसका प्राइस चेक करते हैं, लेकिन ये तो वही वाली बात हो गई, पैसा ना कोई छोटी मेला को दौड़ी मेरे पास पैसे नहीं है भाई इसको लेने के भी, की रेस 1,000 के ऊपर है, तो भाई राम राम अभी तक नहीं है। ओके इस विंटेज कार को देखते शायद ये तो और भी महंगी होगी भाई, कि विंटेज कार महंगी मिलती है ना, फिर भाई ये 28,000 के आसपास ही है। छोड़ो भैया ये वाली कार देखते हैं, हाँ भाई बिजनेसमैन यार सस्ते में दे दे भाई, गरीब आदमी 43,000,
राम राम, सुप्रा को छोड़ो, इसको ट्रक को भेजते हैं भाई अपन वहाँ पर, या फिर इसको मैं लेके चले जाऊंगा। अबे मेरे ऑफिस में बोया का बंदा, जल्दी से इसको अपन खरीदते हैं एंड भेजते हैं अपने शोरूम पे। बाय, और तू सीधा पहुंच जा भाई रिपेयर बन पे, ठीक है ना। एंड कोई सी और कार ले क्या मैं, इस कार को लेके चलते ही है भाई, वही वाली कार जो मैंने अभी बेची है, इसी को ले लूँ क्या? कितने की दे रही है ये? 9000 के आसपास की दे रही है, ये पता चल जाएगा। ओके 13 13 3 3 6 हानों की है भाई। जल्दी से निकलते हैं अपन दुकान पे अपनी, ये भाई कस्टमर वहाँ पर हमारा वेट कर रहे हैं, और इस कार के भाई कंट्रोल भी थोड़े ऐसे हैं, तो जल्दी से निकलते हैं भाई। ये देखो भाई पलटने के उसमें रहती है मूड में हर टाइम। ये भाई ऑक्शन हो रहा है, लेकिन हम नहीं जा सकते भाई, हमारे पास पैसा नहीं है इतना। ओ भाई यार कस्टमर लौट गए यार दुकान पे से। ओके 2 कस्टमर और खड़े हैं। अरे पहले इसको बंद तो कर दो, सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा इसका। ओके हाँ भाई साहब आप बताइए। भाई साहब नहीं है, भाई साहब नहीं है। 599 मैंने इसका प्राइस डाला था बस, तो आप कितना दे रही हैं? 2000 रुपये भाई इस कार में इतना क्या खराब है? मैंने 400 रुपये तो इसके उस पर लगा दिए थे। सबसे पहले वहाँ से अपन ट्रक भी लेकर आएंगे भाई। 3 कार है मेरे पास इस टाइम, इतना पैसा कमा रहा हूँ। ये भी 2000 जरा भाई क्यों कम दे रहे हैं इतना? अबे मैं इसको पर्सनल गाड़ी बना लूँगा, इतनी तेज चलती है ये। ओके तो इस वाली कार को अपन सेल पर लगाते हैं भाई। ये 9000 की लेकर आए, और भाई अगर ये 9000 की नहीं दिखी तो बहुत तगड़ा लॉस होने वाला है अपना। हम इसको लेकर आए भाई अभी 9000 का, 9500 के आसपास का, तो अपन इसको डालते हैं 14999 का। तो ये हमने डाल दिया भाई 14999 रुपये की, एंड इसको अपन हटा देते हैं, ये हो गया हमारा पर्सनल डीजल, सस्ता का सस्ता एंड बढ़िया का बढ़िया से। ये नहीं, इसको खड़ा करते हैं अभी अपन यहाँ पर, क्योंकि जब हमको कहीं जाना रहेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो आप चलते हैं अपन जल्दी से, जो ट्रक है इसको लेते हैं एंड सेल पर लगाते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको रिपेयर भी कर लो भाई, देख लो कितना टाइम जाइए। ओके भाई 720 रुपये में हो रहा है, चलिए कौन भाई ऑटोमेटिक पीछे कैसा आया भाई, काय का साया है इसमें, मेरी फट रही है भाई इधर। भाई ऑटोमेटिक तो पीछे क्यों हो गया भाई, क्यों डर आ रहा है मेरे को? इसको लेके चलते हैं भाई, ये लगी है। अब कैसे निकालूंगा मैं इसको? यस भाई बहुत तगड़ा राइडर हूँ मैं, क्या बता भाई। ये देख रहे हो भाई सेलर आ गया वहाँ पर, ओए 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 ठोक दी बे। सबसे पहले यहाँ से उतरो अपन, अब ये तो आते ही रहेंगे भाई, इस ट्रक को सबसे पहले लगाओ ना भाई, इसको चलाने इतना डिफिकल्ट है ना भाई, क्या ही बोलूँ मैं। पेट्रोल भर ले पहले इसमें को तू। तो भाई रात और हो गई, कस्टमर सारे लौट जाएंगे। अबे यार अच्छा कस्टमर हैं भाई सेल, मैं सोच रहा कस्टमर चले गए होंगे। हैं तो भाई तुम लेके जाओगे अब कार? भाई 60% टाइम से मैंने तो देखी नहीं। ओके ये मेरे को 10000 के आसपास दे रहा है, लेकिन भाई नहीं बेच सकते क्योंकि 9:30 की, तो मैं ही लेकर आ रहा हूँ इसको। आंटी जी से बात करते हैं अपन। हाँ जी 1499 की दे रहे हैं हम, मैंने शायद प्राइस ही कम डाला भाई, मेरे को 13 के आसपास दे रही है भाई, लेके जा। यस हमारे पास आ चुके 16000, मेरे को लग रहा है भाई काम आए हैं, क्योंकि कितने का तो हमारा ट्रक भी था ये। चलो भाई अपन चलते जल्दी से अपन एक कंटेनर पे एंड सो के आते हैं अगले दिन। भाई आज भी कार मार्केट एकदम क्लोज है, और भाई है आज खुला भी है भाई। चलते भाई मेरे को लग रहा है बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई हैं, उतरते हैं भाई यहाँ से अपन। किधर गई कार मार्केट? ओके यहाँ पे हम गोला ले सकते हैं, गोला नहीं ड्रिंक वगैरह, लेकिन हमको लेनी है कार, ये तो वही है जो आपने अभी बेची, जी वैगन एंड ये ट्रक है। ओ भाई ये शायद ODTT से बात करते भाई, कितने की दे रहा है? लैम्बो है ये, देखते हैं भाई। हाँ देखो ODRR है ये, 4 लाख की भाई ये, माफ कर रहे। अरे हमारे हिसाब की कोई कार है ना यहाँ पर? ओके ये हमारे हिसाब की कार सस्ती एकदम, इसको लेंगे हम। ये देखो 2000 रुपये की, बाय करो भाई इसको। ये भाई बिल्कुल भी डैमेज नहीं है भाई, एकदम क्लियर है। पूजा भाई सीधे हमारे, अरे भाई बैठ क्यों रहा है तू? रिपेयर बन पे, ठीक है बपो जी हमारे रिपेयर बन पे। एंड अभी इसको देखते हैं ये कितने की दे रहा है। अबे भाई इसमें क्या है बे? अबे 2.5 लाख की, ये छोड़ो इसको। मैं सोच रहा था जो अभी मैंने 2000 की भेजी है वही वाली यो है। इससे बात करते हैं सस्ती खटा रखी। ओ ये तो भाई 56% डैमेज है, तो सस्ती 45000 की क्या दे रहा है उतना डैमेज मार के इसमें? अबे चल तो चले हुआ भाई इतनी बेकार गाड़ी। तो चलो दोस्तों अभी हमारे साथ का कुछ नहीं है, लेकिन ये ले लेते हैं भाई बहन, पता नहीं भाई कैसी है ये, इसको प्राइस पूछते हैं कितना। 55% डैमेज है सर। 21000 भाई इतनी महंगी किस बात पे बेच रहा है तू उसको? ये वाली तो मैं नहीं लेने बैठा। ये फूड ट्रक को पूछ के देखते हैं आंटी जी से। भाई डैमेज नहीं थोड़ा सा भी, लेकिन पैसे भी थोड़े से ज़्यादा मांग रही है यो। चलते हैं भाई हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर, हमारे हिसाब का कुछ नहीं मिलता यार, गरीब आदमी है। ओके गाइस यार तो हमारा वहाँ पर ट्रक तो खड़ा है, बट उसको मैंने सेल पे नहीं लगाया था, तो भाई इसको अभी करते हैं अपन यहीं पे खड़ा एंड वहाँ से उठाते हैं अपनी जो बेचने वाली कार है इसको। भाई ये देख लो मैं इनका कैसे फ़ायदा उठा रहा हूँ, ये देखो तुम, यहाँ पर बेच देता हूँ क्योंकि यहाँ पर फ्री में आ जाती है ना कार। अबे क्या कार है भाई ये, अब उड़ लिया उड़, देख रहे हो भाई अब क्या खतरनाक कार है भाई ये, बंदे ने एग्जॉस्ट लगवा रखा भाई, क्या बात है ये देखो भाई, कार तो खतरनाक। उन्न के बंदे ने सबसे पहले यहाँ पर कूड़ा डालते हैं अपन,
यस ट्रक और इसको दोनों को लगाते हैं अभी अपन सेल पे भाई। तो ये शायद हमने ट्रक है हमारा जो हमने खरीदा था 4,500 का, तो इसको लगाते हैं अपन 6,000 का। 6,000 कम नहीं हो जाएगा, 6,500 डालते हैं भाई। ओके एंड इसको भी लगाते हैं, ये हमने खरीदी है 2,500 में। अबे फ्री में डाल दी क्या? अबे मैंने फ्री में डाल दी, कोई जो ले जाएगा उसे। तो भाई ये हमने खरीदे 2,500 की, तो इसको डालते हैं अपन 5,000 डालते हैं। चलो भाई भाई ट्रक इतनी जगह में आ रहा है ना भाई, मैं अंदर देख रहा हूँ, इधर जा भी नहीं पा रहा हूँ, जा भी भाई कैसे जाऊँ, और मैं भी इसको ड्राइव भी नहीं कर सकता। तो चलो भाई करते हैं अपन कस्टमर का वेट, इतने अपन वो वाली कार भी ले आते हैं वहाँ से जाके। ओके भाई कस्टमर आ चुका है शायद से हमारी वाली कार लेने, इसको करते हैं अभी अपन शॉप के साइड में खड़ा, करते हैं भाई कस्टमर से बात। ओके भाई हाँ 5,000 की दे रहे हैं ब्रदर, ये मेरे को दे रहा है भाई 2,700 रुपये बेचा रहा है। अभी तो मेरे इससे बारगेनिंग भी करेंगे भाई, क्योंकि हम बारगेन ओपन कर सकते हैं इस टाइम। अच्छा मेरे को 50 चाहिए, बट मेरे पास है अभी ओनली 30, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी भाई। चलो भाई तेरे को नहीं सेल कर पाएंगे भाई हम इतने सस्ते भाई। भाई यार इतने कम पैसे क्यों दे रहे हैं इसके, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। चल भाई निकल और आ जाओ भाई कस्टमर, जल्दी आ जाओ भाई। ओके आ चुका हमारा दोस्त कस्टमर। इससे बात करते हैं भाई, ट्रक को लेने कोई नहीं आ रहा भाई, 5,000 की दे रहे हैं भाई, इतने कम पैसे क्यों लगा रहे हैं भाई, ये भी इसके 2,700 दे रहा है, इससे मैं नहीं दे रहा मैं भाई। इस कार में ऐसा क्या है जो कि बंदे इसके पैसे नहीं दे रहे। ओके इससे बात करते हैं ये कितने की मतलब लेगा इसको, इससे बात करते हैं, बिजनेस मैन आया ये फूड ट्रक का मतलब वो खोलेगा अब, तो ये देखते हैं भाई हमको कितना पैसा देता है। भाई हमको 4,000 कुछ दे रहा है भाई, 4,500 का तो हम लेके आए हैं भाई इसको। इसको भाई अपन वो करा के बेचे क्या रिपेयर ट्रक को, इसको शायद फिर ज़्यादा पैसे मिल जाए। चलो भाई करके देखते हैं एक बार, नहीं भाई वहाँ से निकालने में हालत ख़राब हो जाती है भाई। यार ये इन कारों के इतने कम प्राइस क्यों दे रहे हैं भाई, तो रुक जा और कस्टमर आने दे फिर बताऊँगा मैं तुझे, ठीक है ना। ओके ये आ चुका है भाई ये कस्टमर, तो देखते हैं ये कितने का ले भाई। कार लेने आया यो, कार ले ले बहुत बढ़िया प्राइस पे दे रहे हैं। 5,000 की डाल रखी हमने, 2,800 दे रहा भाई, इनको बेच के भाई ख़त्म करो, क्योंकि पता नहीं भाई इसका इतना कम प्राइस क्यों मिल रहा है भाई। अब मैं उधर कैसे जाऊँ यार उससे बात करने के लिए, हैं सेल पे चढ़ाऊँगा तो यहाँ पे मेरे भाई अंदर से करके देखूँ बात जाके, भाई कहाँ रहा है यार, ये तो बड़ी समस्या हो गई भाई। यार वो चले जाएगा भाई इसी को बाद, हाँ भाई तू निकल। ओ भाई आ गया भाई आ गया, पता नहीं भाई किसके लिए आया बट आ गया भाई। देखते हैं कितने दे रहा है इसको, 6,500 डाल रखा हमने भाई, 5,700 दे रहा भाई, तू लेके जा, तू सही ले गया भाई इस ट्रक को, सही है मैंने उसको ना दिया, मैं सोच रहा था उसको दे दूँ। तो भाई हमारे पास हो चुके हैं $22,334 और अभी हमको कल ने $2,00,000 बोले, $180,000 बचे हुए हैं। तो भाई होने वाली है शाम, सबसे पहले चलते हैं अपन घर पे एंड फिर वहाँ पर जाने के बाद अपन जाएंगे नेबरहुड, और वहाँ से भाई 3-4 कारें मेरे को परचेस करने, तो भाई जल्दी से निकलते हैं अपन। ओके गाइजर तो अपन पहुँच चुके हैं नेबरहुड। ओके तो भाई इस कार की बात करते हैं अपन इस बंदे से, चलते भाई इसके दौरे। हाँ भाई साहब क्या दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, दे तो तुम कार रहे हो 94,000, तेरी भैंस की टांग क्या है इसमें 94,000 का, मैं तो 94,000 की बेच रहा हूँ। चलते हैं अभी अपन आगे भाई, कार को एक साइड में अपन खड़ी करते हैं एंड फिर बंदे से पूछते हैं धीरे धीरे करके प्राइस। तो अभी अपन करते हैं इसको यहाँ पर खड़ा एंड इस बंदे से पूछ लेते हैं सबसे पहले, तो ये बैंड टाइप है कुछ, ये बिजनेसमैन दे रहा है, पैसे बहुत मांग रहा है इसके, शायद 19,000 या 14,000 रुपये मांग रहा है ये। चल के कौन ले रहा है तेरे से, इससे लेंगे हम, ये सस्ता दे गए 22,000 की दे रहा, चल कॉल ये। ये भाई हाईलैक्स बाइक करते हैं, ये हाईलैक्स टाइप जो व्हीकल है आंटी जी दे रही हैं, ये शायद सस्ता दे देंगी, इनको पता नहीं होगा ज़्यादा, इनसे पूछते हैं। 17,000 का वैन जो क्या है इन कारों में, तो तुम इतना महंगा दे रहे हो इनको। अपन इधर और देखते हैं कोई बेच रहा है, क्योंकि सामने कार है भाई, चलते जल्दी से। ओके ये भाई दूसरी कार है, इससे पूछते भाई कैसे दे रहे हो, ये बोल के दे रहे होंगे भाई सब 17,000 रुपये मांग रहे हैं इस खटारा के। चल भाई इतनी महंगे क्यों लेऊंगा मैं तेरे से, किसी और से ना ले लूँ, इससे लेके देखते हैं मतलब पूछ के देखते हैं कितने की दे रहे भाई। 0% डैमेज है, 19,000 भाई इसी को लेके चलेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा डालेंगे हम बड़ी कारों में तो ही तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन भाई ये वही वाली कार है जो बिकती नहीं है, इतनी नुबड़ी कार है, करते हैं इससे बात कितने की दे रही है वो। ये देखो 2100 रुपये की दे रही है, इतने की बिकती भी नहीं है। चलो भाई इनको नहीं ले रहे, इसी वाली कार को ले लेते हैं जो इतनी खतरनाक है। इसका नाम क्या है भाई, मेरे को लग्जरियस कार लग रही है, इसका नाम है ODS 5। ओ भाई लग्जरी कार आ जाएगी मेरे यहाँ पर, क्योंकि है ही नहीं तो मेरे पास। ओके तो अपन भाई इस कार को चला के चलेंगे और जो अपनी बवाली है उसको भेज देंगे वहाँ पर। ओके तो भाई हम पहली लग्जरी कार चला रहे हैं ODTT भाई, इसको बहुत आराम से चलाएंगे। क्या चल रही है वे, हमने अपनी कार कहाँ खड़ी करी थी, ओके वो खड़ी है भाई, चलते हैं जल्दी से, आराम से चल भाई आराम से, बहुत महंगी गाड़ी है, मेरे घर जाएंगे इसको फिर रिपेयर कराने में, जल्दी से इसको भेज देते हैं भाई, हम चलते हैं अपनी फर्स्ट लग्जरियस कार में भाई। ऑलराइट गाइस
तो हमने कर लिया अपने जीवन की सबसे पहले लग्जरियस कार बाय। तो अभी गैम में भाई स्पीड भी खतरनाक है इसकी, तो चलते है भाई जल्दी से, मजा आ रहा है इसको चलाने में। अभी ड्रिफ्ट दिखाऊं भाई, नहीं इसको अच्छे पैसे में बेचेंगे। कैसी लगी भाई ड्रिफ्ट? अबे उतर क्यों जाता हूँ मैं, अब तो लाइक कर दो यार। देख रहे भाई कितनी खतर, एग्जॉस्ट है भाई इसमें यार। लग्जरियस कार है तो एग्जॉस्ट तो हो गई, ऐसी बातें कर रहा हूँ यार मैं। लग्जरियस कार नहीं, लग्जरी कार, इतनी भी लग्जरियस नहीं है लेकिन है तो भाई। ये हम लेकर आ रहे हैं 20,000 रुपए की ओडी टीटी, तो अपन इसका प्राइस डालेंगे पूरे 40,000 रुपए। कितना डालेंगे? 40,000 रुपए, मतलब 1999 कुछ की है ये ओडी टीटी। तो अपन इसका डालते हैं भाई 40, नहीं डालते हम इसमें पैसे कम करेंगे, 39,999 रुपए की डालेंगे हम, ठीक है ना। 1 रुपए कम कर दिया मैंने। अब यार मैं बहुत सोचता हूँ सबके बारे में। चलो भाई जब तक इसके लिए कोई कस्टमर आता है इतने अपन अपनी वो वाली कार ले आते हैं बाहर से। तो हाल में इस कार को यहाँ पर ले आया, बट भाई इस वाली कार के लिए अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया भाई। इतनी लग्जरियस कार लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ओ भाई इसको लेने आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ भाई। इसका प्राइस कम करूँ क्या? और हटे डाल दिया क्या भाई? इसका प्राइस हटाते हैं, इसको फ्रंट साइड पे लगाते हैं, मतलब फ्रंट की तरफ मोड़ उड़ के जो आने वाले जाने बंदों को भी दिखे, एंड उसके बाद हम इस कार को बेच देंगे बहुत तगड़े पैसे में, ठीक है। तो इसको पहले तो अपन मोड़ते हैं एकदम आराम से भाई, ठुकने नहीं चाहिए, बहुत महंगी कार है वो। बस बस ये देखो कितनी कर्री लगाई है, एकदम खतरनाक लग रही है भाई। अपन चलते हैं अंदर। अबे भाई जाने देना, अब डालते हैं इसको 35,000 डाल देता हूँ। 35,000 तो भाई ज़्यादा महंगे ना है यार, 35,000 भाई। चलो भाई हमारी फर्स्ट, मतलब समझ रहे हो ना मैं कहने के चाह रहा हूँ, फर्स्ट लग्जरी कार स्वीट कार्स पर आ चुकी है, बट बंदे यहाँ पर नहीं आ रहे भाई। तुमको यही पता आ गया अब तक मैं ये वाली कार बेचता था $2,000 की भाई? महंगी वाली कार लिया है हम इस बार ओडी की, लेने हुआ है अभी से। अब तुम खुद नहीं चाह रहे कि मैं इसको लग्जरी कार बनाऊँ, तो भाई कैसे चलेगा? तो भाई यार एक भी कस्टमर नहीं आ रहा भाई। ओ भाई आ गया, दो कस्टमर आए भाई एक साथ, जब से नहीं आ रहे थे भाई, लेकिन आए तो छप्पर फाड़ के आए। हाँ आंटी आप बताइए। अबे कहाँ जा रही है ऑफिस में मेरे? अच्छा यहीं पर रुकी, ओके इससे बात करते हैं। हाँ भाई दीदी हमने 35,000 का डाल रखा है, ये आप कितने दोगे इसके? भाई देखो एकदम बढ़िया प्राइस 26,000। अबे 20 की तो मैं लेकर आया हूँ, मतलब 6,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन ये कितने दे रही है इसके? 24,000 मेरे को पता भी नहीं। नहीं आंटी जी आप रुकिए प्लीज़, क्योंकि आप बहुत कम पैसा दे रही हैं, लेकिन ना 24,000 में नहीं होगा भाई, 26 वाली आंटी दे रही हैं हमको। बारगेनिंग अगर मैं ओपन कर सकता हूँ। ओ भाई एक एक्स भी कम पड़ ली है भाई, वरना मैं खरीद लूँ भाई, कूड़ा भी नहीं है कि इस बार भे यार। आंटी जी आप बस थोड़े से ज़्यादा दे दो पैसे, आपको भेज दूँगा मैं। 35,000 की डाल रखी है, $26,213 ये हमको दे रही है। थोड़ा सा और वेट करते हैं भाई, अगर कोई आ जाता है तो सही है, वरना क्या ही कर सकते हैं भे भाई। कस्टमर भी बहुत टाइम आया और आया तो पैसे भी कम लगाया, इतना टाइम हो गया वेट करते करते। चलो भाई को दे देते हैं, और कर भी कह सकते हैं हम, 6,000 का प्रॉफिट मिल रहा है वही सही है। और लाइट गाइस तो हमारे पास हो चुके पूरे के पूरे, और नहीं है भाई थोड़े ज्यादा $17,733। मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि मैं इसको फुल अपडेट मारूंगा, बट यार नहीं मार पाया क्योंकि यहाँ पर बंदे इतना पैसे नहीं दे रहे भाई। ये वाली कार लेकर आए इसको ले नहीं रहे, और ये ओडी लेकर आए तो इसमें भी कम पैसे दे रहे, तो भाई देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अभी हमारे पास हो चुके $17,733। अपन भाई एम रखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, वाई कर लें एक, मतलब वाई नहीं इसको अपग्रेड कर लें, तो पता चलेगा भाई नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड का आपको पता चलेगा सर वो सब्सक्राइब करके, तो भाई जाके सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।